फरुखाबाद जिले के शमशाबाद क्षेत्र के गांव रामनगर में आदमखोर बंदर को पकड़ने को आगरा से आई वाइल्ड लाइफ एएसओएस की टीम को सफलता मिली है। इससे ग्रामीणों सहित वन विभाग की एंटी रेस्क्यू टीम ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें चले कि गांव में करीब आधा दर्जन बंदर आतंक मचाए हुए थे, जिनमें से एक बंदर पागल हो गया था, अचानक लोगों पर हमला कर काट लेता था, जिससे कई लोग घायल हो चुके थे। यही नहीं, ग्रामीणों के अनुसार पागल बंदर एक नवजात को लेकर पेड़ पर चढ़ गया था, बमुश्किल नवजात को बचाया जा सका था। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर पागल बंदर से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई थी। आदमखोर बंदर को पकड़ने के लिए आगरा से आई वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम बीते 3 दिन से कैंप किए हुए थी। आदमखोर बंदर पिछले 3 दिन से वन विभाग व वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम को बार बार चकमा दे रहा था। ग्रामीणों व वन विभाग की टीम की मदद से एंटी रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी और आदमखोर बंदर जाल लगाकर पकड़ा गया। बंदर पकड़ते समय वाइल्ड लाइफ एसओएस टीम के कर्मचारी दिलीप पांडे को छिटपुट चोटें भी लगी। टीम को लीड कर रहे करमवीर सिंह ने बताया कि आदमखोर बंदर को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा जा सका, अगर यह न पकड़ा जाता तो आगे भी लोगों को काटता रहता। एक बंदर पागल हो गया था, आगरा से जानवरों की टीम बुलाई वन विभाग से, बड़े दिन के बाद 3 दिन बाद जो है सफलता हासिल की पाई। हम लोग ग्रामीण बहुत खुश हैं और 3-4 व्यक्तियों को काट चुका है, एक बच्चे को उठा ले गया था, इसलिए हम ग्रामीण भयभीत थे, आज बहुत खुश हैं। एक बंदर पागल था, 2-4 बच्चों को काट लिया उसे, हम लोग गाँव वासी सब लोग परेशान थे। आज कम से कम 3 दिन से टीम आगरा से बुलाई थी, आज उसे पकड़ने में सफलता हम लोगों को मिली, बहुत खुशी है। यहाँ फरुखाबाद से सूचना मिली थी, आगरा के एक बंदर वहाँ आदमखोर हो गया है, 4-5 लड़कों को काट लिया है, एक बच्चे को लेकर पेड़ पे चढ़ गया था। तो वहाँ से हम वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम, जिसमें करमवीर, राधेश्याम, दलीप पांडे, हम 3 लोग आए थे और यहाँ ग्रामीणों की मदद से कम से कम हमको 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद सफलता मिली है और वन विभाग की टीम भी हमारे साथ है। अच्छा ये बताइए, जो बंदर आदमखोर हो चुका था, इसके साथ में और भी बंदर थे, तो इसने उनको भी अगर काटा होगा तो वो भी आदमखोर हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों ये इसका परिवार था, बड़े बड़े बंदर है, वो भी तो ये उनको काटते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।